वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। ये टॉपिक आज देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर्स। बहुत दिन पर मुझे वीडियो अपलोड करुच्ची ड्यू टू सम रीजन मुझे अवेलेबल नी। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर आम देखा मुझे ऑलरेडी लास्ट जो मो वीडियो अच्छे से डिस्कशन कर सारी कि आम इंट्रोडक्शन पार्टा इथर इंट्रोडक्शन पार्टा से कतटा तार नेमिंग डिस्कशन कर सारी। तो आज आम देखा प्रिपरेशन ऑफ इथर आम इथर को कमी प्रिपरेशन करवा। सो सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो सारी मुझ सिलेबस टोटली डिटेल मुझे एनालिसिस कर देती कतेटा टॉपिक कतेटा रिमूव होती कौन हो देखा गले किसी रिमूव होनी कौन से जब पार्ट को देखा जब आम ऑर्गेनिक कंपाउंड रो देखा बस कतेटा पर्टिकुलर कंपाउंड को देखा से मानकर यूजेस ही रिमूव कर देती आ बेसी किसी रिमूव होना। तो इन दैट केस सब बेसिकली आउ थे भलसे समस्त पढ़ाक पड़ो बेस किसी नेग्लेक्ट कर हेनी। तो पैटर्नटा सेम ही रोज पैटर्नर किसी चेंज फेज हम ना राइट। सो पैटर्नटा सेम ही रोज एपर्त किसी तो अपडेट आसी कि पैटर्न किसी चेंज हो कि सो मो मत पैटर्न तो सेम ही रोज। सो जहाँ खासी सिलेबस टिके टिके पार्ट खाली चेंज होती हाँ आउ गोटे ऑर्गेनिक रो गोटे पार्ट जोटा अच्छे बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट से कौन है सब ये कराई सीटा टोटाली आम रिमूव कराई राइट। सो देखा फर्स्ट ऑफ ऑल देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एत किसी देनी। सो जब आम सिलेबस भलसे देखा सीटा दुईटा जिनस गोटे हमारे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देती जो फ्रॉम अल्कोहल आम अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करकेमी प्रिपेरेसन करेंड आउ गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस दैट इज योर विलियमसन्स सिंथेसिस। तो दुईटा जिनस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिन भलसे एग्जाम बेसीस भलसे प्रिपेरेसन करवाक पड़ा। सो व्हाट इज तो देखा दैट इज फर्स्ट होची कौन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हमें डिहाइड्रेट करवा। सो देखो मुझे आगे भी कही हाइड्रेटेड माने कौन से एडिशन वाटर एड करवा डिहाइड्रेशन माने कौन से वाटर को हमें वाटर मॉलिक्यूल सेठ रिमूव करवा राइट। एवं जमी कह कि फॉर एग्जांपल बॉडी टा डिहाइड्रेटेड हो दैट मीन बॉडी में जहाँ डिहाइड्रेटेड हो जाए कह कि तुम अधिक पा पीओ तो दैट मीन कौन से वाटर जो मॉलिक्यूल वाटर अमाउंट से कम हो जाए राइट। तो से आम कह डिहाइड्रेशन माने अल्कोहल रु जदि आम जब कौन कर वाटर वाला पार्ट जब से रिमूव करदे तो बाकी जो वाला पार्ट रहा आम कह डिहाइड्रेशन राइट। सो अल्कोहल को आम कमी डिहाइड्रेशन करवा और आम कमी प्रिपेरेसन करवा आम से जिन टॉपिक रे डिस्कशन करवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कर हिटिंग एन एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आम कौन करवा प्राइमरी अल्कोहल नवा विथ इन प्रेजेंस ऑफ कौन आम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नवा तो आमको कौन मिल जाए आमको सिंपल कौन मिल जाए आमको इथर एटी प्रिपेरेसन ही मिल जाए। तो मन रखिए ये प्रोसेस आमको कौन गोटे मॉलिक्यूल आम फाइंड आउट करें आमको एटलिस्ट दुईटा मॉलिक्यूल आमको से भितर नाक पड़ो जहाँफल कि आम से कौन करें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें। सो आम जो रिएक्शन टाइम भलसे जब आम देखा तो ये कौन कौन देखिए तुमको दे दीड यहाँ हूँ गोटे मॉलिक्यूल यहाँ हूँ वाटर अल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ हूँ गोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इन दैट केस ये कौन कर दुईटा जाक मॉलिक्यूल को मुझे एक्जिटेड आज CH3CH2OH ये भी CH3CH2OH मुझे कौन कर टर्न कर देती। तो एपट सैड मुझ आर ओएच वाला पार्ट को ए सैड रखा कथा मुझे ए पार्ट रखीदे कि तुमको तो सब बुझाक सुविधा हम। तो कौन से गोटे अल्कोहल रो कौन पार्ट जीव तार गोटे अल्कोहल रो ओ आउ एच वाला बंड ब्रेक हम आउ गोटे अल्कोहल रो ओ एच बंड वाला ब्रेक हम मैंने जो कार्बन आउ हाइड्रोजन वाला बंडटा ब्रेक हम ये ओ आउ एच वाला बंडटा ब्रेक हम एंड सिंपली इट्रु कौन होमर व्टरटा रिमूव हो। तो तुम इन दैट केस एमती भी करो आर ओ एच आर तुम एमती भी नहीं पार एपटे जब आर एच देखे आर एच आउ एपटे ओ एच भी नहीं पार कि सिंपली तुम आर एच आउ आर ओ एच तुम एमती नहीं पार। तो सिंपली कौन हम आर व्टर बाहरी पड़ा रईट व्टर बाहरी पड़ा तापर जो कौन है ए ग्रुपटा या सहित कंबाइन होट CH3CH2O आउ CH2CH3 देख CH3CH2O CH2CH3 आमर गोटे इथर रो एग्जांपल जेतु आम ये कौन इथाइल नहीं तो आमको सरी जो आम इथानोल नहीं दुटा जाक कंपाउंड तो से आमको कौन बाहर डाइथाइल इथर बाहर। तो ये सब जिन तुमको मन रखा पड़ो। तो ये तुमको मन रख ऑलवेज कि आमको जदि इथर जदि आम प्रिपेरेसन करवा तो सिंपली आम प्राइमरी अल्कोहल हिं ए रिएक्शन टा टेकआउट करें सेकेंडरी अल्कोहल किंबा टर्शियरी अल्कोहल आम ये जिनसटा प्रिपेरेसन करें बिकज जो आम प्राइमरी जो आम सेकेंडरी किंबा टर्शियरी ना तो से कौन कौन प्रिपेरेसन करते सेकेंड इयर जो से करेस्पंडिंग आल्किन से कौन करती प्रिपेरेसन कर दिखती राइट। तो ये जिन तुमको माइंड रखा पड़ो इन ए केस रे हमें सिंपली कौन नहीं पार ओनली आम प्राइमरी अल्कोहल ही नहीं पार राइट। तो सेकेंडरी टर्शियरी नहीं पार नहीं जदि तुम सेकेंडरी किंबा टर्शियरी अल्कोहल नहीं कि जदि तुम सो कर देन से केस रे तुम आंसर जो होता रॉन्ग हो।
तो आर पुणे आउ गोटे भी प्रोसेस अच्छी से ही प्रोसेस जोटी आम डिहाइड्रेशन करवा अल्कोहल को ये प्रोसेस रे आम सिंपली कौन करते कनसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आम रिएक्शन करते एंड कनसेप्ट तुम गोटे कंडीशन कौन था 413 केल्विन आमको टेम्परेचर भी देवाक पड़ो तो सिंपली आप तुम हिट सिंबलटा तुम ट्रेंगल भी तले लिखिपार रईट मैंने ये पाखे तुम आपको हिट एमती लिखिपार सो सेकेंड प्रोसेस आम कौन देखा सेकेंड प्रोसेस ये आम कही डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल टू सिंपली इथर मे अल्सो भी कैरिड आउट बाय पासिंग अल्कोहल वेपर तो तुम कौन कर अल्कोहल वेपर को तुम कौटी पास कर हीटेड एमोनिया राइट हीटेड एमोनिया तुम कर कि थोरिया राइट थोरिया जहाँ आम नॉर्मली थोरियम डाइऑक्साइड बोली भी पढ़ा जाए राइट तार फॉर्मूला अच्छे कौन THO2 तो मन रखिए थोरिया भी फॉर्मूला आम THO2 ताको आउ गोटे ना कौन जना जाए आम थोरियम डाइऑक्साइड तो तुम अल्कोहल वेपर को तुम एमोनिया एमोनिया जानो एमोनिया सहित भी तुम कौन कर रिएक्शन करवा तुम थोरिया सहित भी तुम जो रिएक्शन कर तो तुम कौन हो तुम अल्कोहल से प्रेजेन्ट तुम से बाहरी पड़ो बट कंडीशन कौन 630 623 केल्विन तुम हिट दे सहित तुम प्रेजेन्स कौन थी आलुमिनियम ऑक्साइड व आलुमिनियम ट्राइऑक्साइड तुम से कंडीशन थी तार प्रेजेन्स हिं तुम से जिनस कर सेकेंड प्रोसेस ये आज कौन रिएक्शन अच्छे सिंपली एक केस तुमको अल्कोहल तुमको दुईटा जाक अल्कोहल तुमको नाक पड़ो दैट मीनस तुमको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल तुमको ये नाक पड़ो जहाँ भी नौ सेम नब टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल तुम ने टू मॉलिक्यूल अल्कोहल नाला पर भी केस सेमती हम ये तुम वाटरटा रिमूव हम सेमती तुम टू CH3 CH2 लिखिदेज तुम सिंपली रिएक्शन केमती लिखिपार सिंपली आपको लिखिपार गोटे तुम CH3 CH2 OH पुणि थर तुम एपटे प्लस देखिए OH CH2 CH3 इनते मध्ये लिखि परबो एंड अगेन आरो एच ओ एच वाला पार्ट को तुम वाटर काढ़ी दुटा जिनस तुमको कर परबो राइट ये जिनस भी तुम कर तो मन रखिबो ये कंडीशन कौन थिवार अछि तुम एमोनिया कि तुम जहाँ भी कि थोरिया तुम जहाँ नौ से भितर तुम पास कर बट आउरी कौन होइथवार अछि इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और हिट केते दैथिबो 613 केल्विन राइट 613 केल्विन तुम ताको सेठी हिट दैथिबो तो ये दुटा प्रोसेस थिला हमरो कौन थिला एठी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल थिला ये प्रोसेस रे अल्कोहल को हमें डिहाइड्रेशन करके इथर प्रिपरेशन कर पारिबा सो सिंपली तुम्हें जदि रिएक्शन मन रखुच देन ऑटोमेटिकली तुम एटा लिखि भी पारिबो बस कंडीशन एति कि तुम्हें जहाँ गिवन कंडीशन दिया है थिबो इन प्रेजेंस ऑफ से जिनसटा टिके मन रखा पड़ो ना ये बहुत इजी रिएक्शन हो जाए तो नेक्स्ट आम देखा बहुत बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन दैट इज योर विलियमसन सिंथेसिस तो यहाँ हूँ बहुत इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट राइट ये कौन तुम इंडस्ट्रियल किंवा लैबोरेटरी मेथड पर तुम इंडस्ट्रीज मानक भी जोटी जदि इथर तुम प्रिपेरेसन कराए से जगार तुम यहाँ बहुत हेवी यूज हुए कि तुम लैबोरेटरी मानक जिनस हेवली यूज कराए बिकज ये प्रोसेस आमको सिंपल इथर आमको मिल जाए राइट तो इन दिस मेथड आम ये कौन करवा सिंपली आम गोटे जिनस यूज हे दैट इज आर आम अल्किल हैलाइड तो विलियम सिंथेसिसटा आम आउ गोटे प्रोसेस में आम देखिपर जितेबाला कि तुम केमिकल रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन से भी तुम ये जिनस देखा पाइब राइट से जिनस भी तुम भलसे देखीदेव तो इन दिस मेथड अल्किल हैलाइड इज हिटेड विथ सोडियम और पोटासीयम अल्कोक्साइड राइट सोडियम और पोटासीयम अल्कोक्साइड अल्कोक्साइड मैंने कौन अल्किन अल्किल ग्रुप गोटे थोड़ा सहित ऑक्सीजन थी सहित जहाँ तुम एड कर सोडियम थे सोडियम अल्कोक्साइड कह एंड जदि तुम पोटासीयम थे तुम पोटासीयम अल्कोक्साइड बोलिक तुम कह प्रकार तुम कौन नेम करने को पड़े बुझेगा राइट आर ओके बुझेगा ये टाइप रो तो नेक्स्ट देखा तो ये हूँ कौन तुम पोटासीयम अल्कोक्साइड तुम ये कंडीशन नहीं पार कि तुम सोडियम अल्कोक्साइड कंडीशन नहीं थोड़ा तो यू रिएक्शन यहाँ तुम एक्जेक्ट ये रिएक्शन कौन हुए तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए राइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं सिंपली बुझ पार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती दैट मीनस कौन होती गोटे न्यूक्लियोफाइल आसिकी एट हम ताको आम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलिक कहवा राइट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स इन व्हिच हालोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप राइट इन दिस केस रे किए तुम रिप्लेस्ड हो हालोजन ग्रुप रिप्लेस हो कहा सहित हालोजन ग्रुपटा तुम रिप्लेस हो बाय एन अल्कोक्सी ग्रुप राइट जदि आम गोटे एग्जांपल जदि आम एठी नेकी टोटली आम कंडीशन को बुझी जा तो ये कौन देखा हो अल्किल हैलाइड आर एक्स मु इन जनरल अल्किल हैलाइड नहीं तले एग्जांपल रे मध्ये लिखि दीची तो इन दैट केस ये तुम कौन है मुझे सोडियम अल्कोक्साइड नहीं तुम ये कौन नहीं पार पोटासीयम अल्कोक्साइड तुम नहीं पार इज योर विश राइट तुम जोटा तुम नहीं पार तो सिंपली जदि आम दु जिनस को देखा एक्स ये अच्छी मानते ये सियोरली ये नेगेटिव आसो ये पॉजिटिव आसो ये सेम केस जब सोडियम देखा सी आसो कौन तुम नेगेटिव आ ओटा आसरी सोडियम आसो पॉजिटिव ओटा आसो नेगेटिव राइट तो आर एक्स आर एन एक्स तो ये कौन हो तुम गोटे सल्ट है कि बाहरी पड़ो जोटा कि तुम एन एक्स राइट नेक्स्ट केस रे आमर कौन देखिबा
नेक्स्ट आम बाकी जो ये ग्रुप रहा ए आर टा ए आर सहित आसिक मिसीजा और से कौन फर्मेसन करदे तुम इथर फर्मेसन करदे जोटा कि हूँ तुम आर ओ आर। तो ये मन रख यो रिएक्शन होती है इट इज एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मन रख व्हाट इज न्यूक्लियोफिल, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल सिंपली मन रखे कमी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भितर बहुत कन्फ्यूजन हूँ। इलेक्ट्रोफाइल रो मीनिंग होची सी होची कौन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीस। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने कौन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीस, तो कौ मैंने इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीस ना जो मैंने कौन थे जहाँ पाखे पॉजिटिव थी, जो मैंने पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को कौन करते कैरी करते ही पसंद करते मैंने पॉजिटिव आड़े अट्रैक्ट हूँ राइट। मैंने तार अर्थ ऑब्वियसली से कौन होते नेगेटिव चार्ज थे बुझेगा राइट इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव चार्ज थे राइट। से इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीस, तो से ऑब्वियसली कौन थे पॉजिटिव चार्ज थे और से नेगेटिव आड़ को ही अप्रोच होकर जाऊे। एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स हो कौन जो मैंने पॉजिटिव जो मैंने कौन हो पॉजिटिव को ये करते न्यूक्लियोफाइल मैंने होते न्यूक्लियस लविंग स्पेसीस। तो आम जानते न्यूक्लियस लविंग स्पेसीस मैंने कौन जो मैंने न्यूक्लियस मैंने पॉजिटिव जो मैंने पॉजिटिव को लव मैंने जो मैंने पॉजिटिव वर्ड को जवाब अट्रैक्ट होते तो से आम न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल कह दैट मीन ऑब्वियसली से की ग्रुप थे से ऑब्वियसली से नेगेटिव चार्ज थे। तो बट इटे आम कौन देखिए ये गोटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट एक केस रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौटे टेक्स प्लेस हुए अल्किल हैलाइड टेक्स प्लेस हुए। तो सिंपली इटे जो आम जब आम देखा ये जिनस को आम जब भलसे जब इमेजिन करवा जे पॉजिटिव अच्छी से क्या आड़ को जीव नेगेटिव आड़ को जीव तो ऑब्वियसली ये कौन हो गए इलेक्ट्रोफाइल हो राइट। एंड जी तुम नेगेटिव थी से क्या आड़ को जीव तुम पॉजिटिव आड़ को जीव तो सी ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल हो। तो इन दैट केस इटे अभी कौन हम तुम जो एक्स जो रिमूव होकर जाऊँच एक्स एन ए रिमूव होगा तो ऑब्वियसली एक्सटा हूँ तुम गोटे इलेक्ट्रोफाइल सॉरी एक्सटा हूँ तुम कौन पॉजिटिव दैट मीन से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होगा दैट मीन से पॉजिटिव चार्ज। तो आप आड़ को आसो किए गोटे न्यूक्लियोफाइल ही आसो दैट मीन ओ आर हूँ तुम न्यूक्लियोफाइल, तो सी आसो आर सहित लगे तो आर ओ आर होकर तुम कौन फर्मेसन हम इथर फर्मेसन हम दैट इज वाई ओ आर टा तुम हो जेहतु गोटे न्यूक्लियोफाइल तो सी जो इटे आसिक सब्स्टिट्यूशन है इन प्लेस अफ एक्स तो ये कौन होगा तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस है। तो मन रही जे इलेक्ट्रोफाइल मैंने जो मैंने इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीस दैट मीन से पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहवा जो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैंने न्यूक्लियोफाइल मैंने होते से नेगेटिव चार्ज थे राइट। तो यहाँ मुझ तुम एग्जांपल दे दी थी बट तले तुम मुझे पूरा रियल एग्जांपल नहीं करदे दैट इज आम ये कौन नहीं आर जगार मुझे नहीं सी एच थ्री एक्स जगार मुझ आई नहीं जाए एंड देन बाकी ये एन ए तो एन ए ओ तो सेम रही बाकी आर जगार ये मुझे कौन इथाइल नहीं जाए सी एच थ्री सी एच टू सेम जहाँ जहाँ ये रिएक्शन है सेम ये केस रे तुम सी एच थ्री टा पॉजिटिव हम आईटा तुम नेगेटिव हम ए जगार मुझे सेम तुम एन ए टा तुम पॉजिटिव हम ओ सी एच टू सी एच थ्री टा तुम नेगेटिव हम। तो ये केस रे तुम एन ए आई एमने कौन हो तुम सोडियम आयोडाइड फर्मेसन की बाहरी पड़े बाकी तुम ए सी एच थ्री ग्रुप आउ ए ओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप एम कौन हो बाहरी पड़े तुम इथर गोटे फर्मेसन करदे। तो मन रख ये जिनस राइट। तो आर नेमिंग कौन हो नेमिंग तुम सिंपली लिखिपार आर नेमिंग हो कौन तुम मिथक्सी इथेन। तो आना तुम मन रख मिथक्सी कौन पर दुटा को आगे मिथक्सी बाकी ए दुटा को आम कौन लिखा इथेन राइट। ये टाइप तुम नेमिंग हुए मुझे नेमिंग अलरेडी डिस्कसन कर सारी। तो सिमिलरली यहाँ तो थी आम कौन थी ओपन चेन मैंने आम सब जहाँ भी रिएक्शन थी आम ओपन चेन वाला रिएक्शन थी सिंपली आम आपको आउ भी कौ टाइप आम देखिपर जो तुम आम आसो कौन आरइल मैंने जोटा कि एरोमेटिक कंपाउंड जो रिएक्शन हम से सेम ये रिएक्शन ही टेक्स प्लेस हुए। तो ये लिखी कि सिमिलरली अल्किल आरइल इथर राइट जोटी मैंने तुम कौन थी जो तुम अल्किल ग्रुप गोटे लगे राइट सॉरी अल्किल ग्रुप गोटे लगे जो तुम सी एस थ्री पार्ट ओपन चेन अल्किल पार्ट आउ बाकी तुम ये सीटा हो कौन तुम आरआईल पार्ट आउ बाकी जो मझे जो ओ रहा आम कौन इथर वाला पार्ट है। तो ये जो आपको हमें प्रिपेरेसन के पारा सेम ए रिएक्शन हिसाब से ही जी बस ये जो आर वाला जो पोजिशन रहा आर जगार आम कौन करवा आम सी सी सिक्स एच फाइव दैट मीन कौन आम एरोमेटिक कंपाउंडा लगेदे रईट सी सिक्स एच फाइव लगेदे से आम कौन पलास से जगह मुझे सी सिक्स एच फाइव लगेदेली तार अरिजिनाल स्ट्रक्चर ये प्रकार आसे एंड बाकी तुम कौन कर तुम एन ए जो वाला पार्ट्रे ए जो वाला आर पार्ट्रे एंड बाकी जो ये जो आर एक्स रहा ये जो आर वाला पार्ट हूँ ए सी एच थ्री वाला पार्ट राइट एंड ये जो आर वाला यहाँ जस्ट टे उल्टा हो जाए केस्रे से कौन हम ए सेम ए रिएक्शन आर एन ए आर बी आर ये कौन है पलेबे तुम एन ए बी आर है पलेबे एंड ए जो सी एच थ्री जाए तुम लग तुम कौन हो मिथक्सी बेंजीन तुम ये फर्मेसन होगा आम सिंपली आनिसोल बोली पढ़ू। तो मन रख सब जिनस जाक राइट। तो सिंपली रिएक्शन ए रिएक्शन जहाँ ए रिएक्शन सेम ए जगह मुझे आर एक्सटा ए साइड लिखी ये मुझे ए साइड ए साइड करदे तो ये तुम सिंपली आर जगह खाली चेंज करदेव बाकी आ कि ना बाकी सब जिन सेम ही रोज।
ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ ଯିବା ତ ଯେଉଁଠି ଆମର ଡାଇଫିନାଇଲ୍ ଇଥର ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ତୁମର ଗୋଟେ ତୁମର ଏରୋମେଟିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ଓପେନ୍ ଚେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆରାଇଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଆଲଗିଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବ ସେମ୍ ଇଜିଲି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଦୁଇଆଡ଼େ ଯାକ ଯଦି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କି ନାହିଁ ତୁମେ ଦୁଇଆଡ଼େ ଯାକ ତୁମକୁ ଏରୋମେଟିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଆରାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦରକାର ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମିଥକ୍ସି ବାଲା ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଲା ସରି ଯେଉଁ ତୁମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ରିଭର୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମର କହିଥିଲି ଯେଉଁ ତୁମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ପଟାସିୟମ୍ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ସବୁ ନେବ ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ନେଇଛ ସେ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ ଫେନକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହିତ ରାଇଟ୍ ତୁମେ ଏଠି ଆଲକିଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଲେଖୁଛ ସେମିତି ତୁମର ଫିନାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଫିନକ୍ସାଇଡ଼୍ ଲେଖିଦେବ ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ହିଁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ନେଉଥିଲ CH3I ବା CH3Cl କି ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ନେଉଥିଲ ଗୋଟେ ଆଲକିଲ୍ ହାଲାଇଡ଼୍ ନେଉଥିଲ ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ ଆରାଇଲ୍ ହାଲାଇଡ଼୍ ନେବ ତ ସେମ୍ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଫେନକ୍ସାଇଡ଼୍ ନେଇଗଲି ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ଆଲକିଲ୍ ହାଲାଇଡ଼୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ନେଇଯାଇଛି ନା ଆରାଇଲ୍ ହାଲାଇଡ଼୍ ଏଠି ତୁମର ନେଇଯାଇଛି ତୁମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ତ ଏଠି ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ୍ ନେଲି ତୁମେ ଆଇଡ଼ୋବେଞ୍ଜିନ୍ ନେଇକି ବି ଏ ଜିନିଷ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ତ ସେମ୍ ଆର ବି ରିଏକ୍ସନ୍ ତୁମର ସେମ୍ ହିଁ ଟେକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେବ ଏ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେବି ତ ଏ ରିଏକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେମିତି ହେବ RONA ROCL ତୁମର NACL ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାଇକି ତୁମର କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଡାଇଫିନାଇଲ୍ ଇଥର ତୁମର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ସ ରିଏକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁମର ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ସ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି କୌଣସି ବି ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା'ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ରୁହେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ତ ଆଜି ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମାନେ ତା'ର ଯେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ସୋ ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଇଥାଇଲ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ରାଇଟ୍ ଦେଖ ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ମାନେ ଦୁଇଆଡ଼େ ଯାକ ଆମର ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଥିବ ଦେଖ ଦୁଇଆଡ଼େ ଯାକ ଆମର CH3 ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଛି ଇଥାଇଲ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆମର ଇଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆମର ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଥିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେମାନେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଫର୍ମରେ ରୁହନ୍ତି ମନେ ରଖିବ କିଏ କି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଇଥାଇଲ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଇଥର ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଦର ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଆହୁରି ଇଥର ଯାକ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ରହିବେ କଲର୍ଲେସ୍ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲିଂ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ତ ସେମାନେ ବସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକି ଇଥର ରହିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ରହିବେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବେ ବଟ୍ କି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସେମାନେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ତ ମନେ ରଖିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ବହୁତ ଇଜିଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ ଭେପରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ କହିବା ଯେମିତି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା ଡିଜେଲ୍ ହେଲା ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ସବ୍ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରାଇଟ୍ ୱାଟର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଲର୍ଲେସ୍ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଲର୍ ନସିବ କଲର୍ଲେସ୍ ସେମାନେ କଲର୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲିଂ ମାନେ ଭଲ ସ୍ମେଲିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଥର୍ସ ଆର୍ ହାଇଲି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେପରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଯଦି କିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତିକି ତୁମର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ହାଇଲି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ତ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁର ଯେଉଁ ଇଏଟା ରହିଲା ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ କ'ଣ କର କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ହାଇଲି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେବଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମାନେ ନିଆଁ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଥର ସାର୍ ଲାଇଟର୍ ଦେନ୍ ୱାଟର୍ ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମାନେ ୱାଟର୍ ଠାରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହାଲକା ରୁହନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖିବା ଇଥର ସାର୍ ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ତ ଦେଖ ଇଥର କେଉଁଠି ତୁମର ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ୱାଟର୍ରେ ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ତ ଯଦି ମୁଁ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସବୁ ଯଦି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଲ୍ୟୁବିଲିଟି କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯଦି ୱାଟର୍ ସହିତ ସେ ଯଦି ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଅବିୟସ୍ଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରୁଥିବ ୱିଥ୍ ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ତ ଯଦି ୱାଟର୍ରେ ସେ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଯଦି ସେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରୁଛି ୱାଟର୍ ସହିତ ଦେନ୍ ହିଁ ସିଏ ତା ସହିତ ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ତ ସିମ୍ପଲି ଇଥର ଯେଉଁ ରହିଲା ସିଏ ୱାଟର୍ ସହିତ ବା ୱାଟର୍ ସହିତ ମିଶିକି ସିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଇଥର ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ବଟ୍ ତା ସହିତ ସିଏ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆମର ଆଲକୋହଲ୍ ନେବା କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ନେବା ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୋଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇପାରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଥର ସବ୍ ଲୋ ବୋଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବୋଇଲିଂ କରିବା ତ ସେମାନଙ�କର ବୋଇଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ
लो कौन पाई ना से कौनसी केस रे जदि से बॉइलिंग पॉइंट जदि से थी ना जो से बॉन्ड बॉन्ड भितर एत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नथिबो बॉन्ड बॉन्ड भितर जदि से भितर एत जदि स्ट्रॉन्गली से बॉन्डिंग हो नथिबो देन से केस रे से बॉइलिंग पॉइंट किमा मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रुहे बिकॉज से बॉन्ड ब्रेक करिया बहुत इजी हो जाए राइट तो ये कह दीजिए ड्यू टू द वीक पोलारिटी ऑफ इथर्स डू नॉट एप्रिसिएट इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स राइट तो से भितर जो बॉन्डिंग अच्छे से कौन हो बहुत इजिली ब्रेक आम करेक्ट तो नेक्स्ट आमर जितेबाला आम देखा जदि आम कौन इथर को जब आम कंपेयर करवा कौन अल्कोहल सहित तो आम देखा पाइबा कि इथर जो बॉइलिंग पॉइंट रहा से बहुत कौन हो लो रही है इथर बॉइलिंग पॉइंट हूँ कौन मच लोअर बहुत कम तार कौन थाए बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम थाए एज कंपेयर टू ता हिसाब से आइसोमेरिक अल्कोहल मैंने इथर तुम इथर भी डिफरेंट डिफरेंट इथर आसे सो डिफरेंट कंपाउंड ऑफ इथर्स रे तो मैं से हिसाब से आम अल्कोहल रे मते डिफरेंट आसे दैट मीन्स आमर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन जो आसे से हिसाब से जब आम दुटा जब कंपेयर करवा देन देखा कि से भितर जो आम अल्कोहल रो पार्ट थी तार जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक थी बट इथर्स रे हिसाब से कम थी बुझेगा तो तार रीजन ये कही कौन पाए ना दिस इज बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो कौन होता है ना समस्ते से अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड सहित एसोसिएटेड होकर रही था बट इथर्स इन दिस केस से भितर हाइड्रोजन बॉन्ड न थाए तो दैट इज वाई से जो बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से कौन जाए से भितर कौन जाए बॉइलिंग पॉइंट कमी जाए और अल्कोहल केस रे तार बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हो जाए तो एडा थिला आमर कौन थिला केमिकल सॉरी आमर केमिकल प्रॉपर्टीज सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज आउ थिला आमर कौन थिला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर नेक्स्ट टाइम टॉपिक डिस्कशन करिवा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर तो एतकि मो वीडियोटा रखुछी।